आज मैं पेंट लेने आई हुई हूँ। मैंने अपनी डेक जो है बैकयार्ड की, इसको पेंट करना है, आगे ईद आ रही है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। ये होम डिपो है, यहाँ पूरा पेंट का सेक्शन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे पेंट्स हैं, तो हर तरह का पेंट आपको मिल जाता है। ये डेक की जो फ्लोर के होते हैं क्लीनर्स, ये वो हैं, और ये उसके नीचे बड़े साइज़ में उन्होंने दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये आपको दिखाती हूँ। ये पूरा सेट है, प्रोफेशनल पेंटिंग सेट है ये, तो इस पर भी सेल लगी हुई है, तो मैं एक ये उठा लिया है। इस तरह से ये दिखे हैं, रोलर्स भी हैं अंदर, पेंट ब्रश भी है, तो बड़ा अच्छा ये सेट है। घर में आगे भी करने के काम आएगा तो मैं ये लेने लगी हूँ। तो ये मैंने अपनी कार्ट पे रख लिया। इसके साथ ही यहाँ पर हर तरह का पेंट है। ये सारी लाइन एक्सटीरियर पेंट्स की है, जो अंदर घर के करने वाले पेंट्स हैं उसकी लाइन दूसरी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये भरा हुआ है, तो कितनी वैरायटी है यहाँ पे। मैं किसी स्टोर, इस ये स्टोर का नाम होम डिपो है, तो मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें होम डिपो का पूरा टूर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे होता है। तो बहुत ज़बरदस्त है ये, हर चीज़ आपको घर से रिलेटेड आराम से मिल जाती है यहाँ पर। तो ये मैंने इस कलर का पेंट लेना था अपनी डेक के लिए। आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में कि ये वाला कलर होता है मेरी डेक पर, तो थोड़ा सा पेंट हो रहा था तो मैंने कहा चलें फ्रेश कर देते हैं, ईद भी है, गेस्ट भी आएंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा। और ये सात बुक्स होती हैं गाइड के लिए, पेंट गाइड्स होती हैं, तो ये एक्सटीरियर की इन्होंने डिफरेंट तरह की बुक्स रखी होती हैं, आप आराम से घर में ले जाएं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें कुछ, तो आपको इजीली शेड्स का पता चल जाता है कि कौन से है ना। ये देखें, ये इन्होंने घर के बाहर करने वाले जो पेंट्स हैं उनके शेड्स लगाए हुए हैं, ताकि अगर आप ऑनलाइन भी बाय करना चाहें और स्टोर पर अगर नहीं है और आपको ये कलर चाहिए तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये पेंट और ये पेंट्स के जो पूरा सेट है ब्रशेस का, रोलर्स का, वो मैंने ले लिया है। तो अब आगे मैं दिखाऊंगी कि हम किस तरह से अपनी डेक को पेंट, छोटे सैंपल्स इन्होंने रखे हुए हैं। आपने कोई भी चीज़ अगर ट्राई करनी है, आपको बड़ा डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे भी ले सकते हैं और आप ट्राई करें, अच्छा लगे तो फिर आप बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी ऑप्शन है। और ये देखें, ये डेक्स और फेंसेस के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये क्लीनिंग के लिए है। आप देखें इस तरह से ये खुल जाता है और किस तरह से आप सफाई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये फ्लोर पे आप पॉलिश कर रहे हैं इससे, तो ये भी ज़बरदस्त इन्होंने बनाई हुई है। कोई प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दफ़ा ले लें आप तो फिर आपकी हमेशा चलेगी। और ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बकायदा यूनिफॉर्म्स दिए हुए हैं कि अगर आपने अपने घर में भी पेंट करना है या पेंटर्स कहीं जाते हैं तो आप एक दफ़ा ये यूनिफॉर्म बाय कर लें, और आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, आराम से आप पेंट कर सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, ये इस तरह से आप पेंटिंग करते हुए इसको फेर सकते हैं, वैसे भी क्लीनिंग हो जाती है, बहुत अच्छा पैड है ये। और ये क्लोथिंग है पेंटिंग की। तो देखिए व्यूअर्स, अब आ रही आ गई है पेंट करने की। तो सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग खोल रही हूँ, और ये देखिए मैं आपको दिखाती चलूँ कि इस पैक में ये बहुत बड़े साइज़ का रोलर का ये है। इस पर आप रोलर जो होते हैं डिस्पोजेबल्स मिल जाते हैं, आप लगा सकते हैं पेंट के लिए, और रोलिंग पेंट से पेंट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने इनडोर वॉल्स पर पेंट करना हो तो इस तरह से ये रोलिंग मिल जाते हैं, इजिली अवेलेबल होते हैं, कि अगर आपने एक दफ़ा ये कर लिया है, वॉशेबल तो ये नहीं होता, आप इसको डिस्पोज कर दें और उसके बाद और कभी आपने पेंट करना हो दूसरा तो इस तरह के आप बाय कर लें और ले लें, तो ये बहुत ईजी है यूज़ करने के हवाले से। इसके साथ ही इन्होंने ये पेंट ब्रश दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी शेप है, और ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है ये, तो ये प्रोफेशनल पेंटिंग सेट है। अगर आप अलग अलग चीज़ों को लेंगे तो ये एक्सपेंसिव होंगी, तो इस तरह से ये पूरा सेट मिल रहा था, तो ये अच्छी डील थी। ये साथ इसमें छोटे साइज़ का रोलर दिया हुआ है, अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को करना हो, और एक ये और बड़ा रोलर दिया हुआ है, तो ये है। इसके साथ ही ये एक ट्रे मिली है, जिसमें यह है कि आप जब ब्रश करते हैं तो आपने ब्रश कहीं ना कहीं तो रखने होते हैं ना, थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए, तो आप ये ट्रे में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी फ्लोर है या जो भी जगह है वो गंदी नहीं होगी, क्योंकि जब आप ब्रश से पेंट करेंगे या रोलर से पेंट करेंगे तो उस पर पेंट लगा हुआ होगा, तो कहीं भी रखेंगे तो निशान पड़ सकता है, वो फिर उसकी क्लीनिंग आपको पता है बहुत लंबा काम होता है। तो इस तरह से हम जब भी कुछ कर रहे हैं तो इस तरह ट्रे में रख लें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलें अब आगे पेंट करते हैं। डेक पे पेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये ब्रश ही यूज़ करूँगी, रोलर्स की ज़रूरत नहीं है। आ गए हैं हम बाहर, और जो मैं आपको बता रही थी कि हमने पेंट करना है, तो ये रेलिंग्स आप देख सकते हैं मेरी डेक पे, इनको मैंने पेंट करना है क्योंकि इनका पेंट जो है वो थोड़ा रफ हो गया है, तो ये कि ज़रा पेंट करूँगी तो ये फ्रेश हो जाएगा। तो ये सारी है, टाइम भी लगेगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी जा रही है वहाँ तक। पेंट ओपन कर दिया है और इस ब्रश से मैं इसको करूँगी, सबसे पहले ये पार्ट है, तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने थोड़ा सा पेंट इसमें निकाली है, तो अब यहाँ से मैं ब्रश की मदद से ना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से स्टार्ट हमने कर दिया,
ये स्पेशली हमने जो है एक्सटीरियर पेंट्स बाय किए हैं, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है। इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि यहाँ पर स्नो पड़ती है, बारिशें होती रहती हैं, तो ये पेंट जो है वो ख़राब नहीं होता। जो इंटीरियर पेंट्स हैं वो और हिसाब से डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये देखिए सारा पेंट जो है वो डन हो चुका है और डेक का कलर आपने पहले देखा था और आप देखेंगे कितना फ्रेश हो गया है, बहुत फ्रेश लुक आ रही है। तो बस अपनी चीज़ों का घर का ख्याल खुद ही रखना होता है, तो माशाल्लाह देखें किस तरह से हमने खुद ही कर लिया, पैसे भी बचाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।